राहतगढ़ में सौंदर्यीकरण के तहत लगाई जा रही लाइट्स में बरती जा रही लापरवाही, करंट की डोरी की सुरक्षा के लिए लगाए गए पाइप अभी से हुए क्षतिग्रस्त। सागर जिले के राहतगढ़ में नगर सौंदर्यीकरण के मद्देनजर लगाई जा रही लाइट्स के काम में लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते करंट की डोरी की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे पाइप अभी से अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। दरअसल राहतगढ़ में सौंदर्यीकरण के लिए बस स्टैंड पर लाइट के खंभे लगाए गए हैं और इन खंभों में करंट देने के लिए अंडरग्राउंड लाइन डाली जा रही है। ये लाइन खराब ना हो उसकी सुरक्षा के लिए करंट की डोरियों को पाइप के अंदर डाला जा रहा है और इसके बाद इन पाइप को सीमेंट से ढक दिया जाएगा, मगर लगाए गए पाइप के साथ सीमेंट से उन्हें ढका नहीं जा रहा है, जिसके चलते डाले गए पाइप अभी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब ऐसे में बगैर पाइप की सुरक्षा के डाली गई डोरी कितने दिन सर्विस दे पाएगी, कितने दिन बस स्टैंड इन लगाई गई लाइट से रोशन रहेगा। साथ ही इस मामले पर नगर पालिका अधिकारी राहतगढ़ का कहना है कि इस तरह से नहीं चलेगा, डोरी की सुरक्षा के लिए डाले गए पाइप को सीमेंट के मसाले से ढक दिया जाएगा ताकि लंबे समय तक लाइट्स सर्विस दे सकें। उसमें जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो टूट रही है, क्या करें? उसको हम ठेकेदार से कह के दोबारा से जो है उसको कराएंगे। जैसे उसमें सर क्या मतलब है, क्या प्रावधान? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अभी उसको खोद के, उसकी नाली को खोद के उसमें पहले जो है पाइप डाला जाएगा, फिर सीमेंट से उसको पैक किया जाएगा, तब वो जो है कारगर होगी।